ड्रिजलिंग हो गई है, बारिश हो रहा है। हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। और आज नया दिन टकनता चा भाई माने। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर और रात की वीडियो कैसे बना देखते हैं क्या होता है। और अभी के लिए तो इतना ही है, अपडेट देने के लिए आया था अभी फिलहाल। और लेट्स सी। सो आई एम बैक और ये ड्रिजल कर रहा एंड क्या कर सकते हैं देखते हैं थोड़ा देर बाद। मेरा स्पॉट पे, फेवरेट स्पॉट पे अभी जाऊंगा तो बारिश होगा वहाँ पे, यार वीडियो नहीं बना सकता बिकॉज आई लव फ्रीडम और मेरे को छत में ही रहना पसंद है। सो थोड़ा देर में देखते हैं क्या होता है और इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा अभी थोड़ा देर में। सो बने रहना और लेट्स सी बारिश रुकता है कि नहीं। बारिश रुकेगा उसके बाद वीडियो बनेगा और अपलोड। सो फाइनली बारिश बंद हो गया और थोड़ा देर बाद शूट करूँगा अपना जो वीडियो है। आज एक नया टॉपिक पे शूट करेंगे, दैट हाउ यू शुड ग्रो प्लांट्स ऑन योर टेरिस विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के भी फार्मिंग हो सकता है, ये नया टाइप का फार्मिंग है, मैं बताऊँगा उसके बारे में। थोड़ा देर रुकिए, बी विथ मी फॉर सम मोर टाइम और बताऊँगा। पीस फॉर नाउ। सो गाइज, एज यूजुअल मैंने आपको बताया था आज एक न्यू टेक्निक बताऊँगा मैं आपको, जिसमें कि आप बिना किसी सॉइल के कॉन्टेंट के आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसका मैं आज रिगार्डिंग वीडियो बनाने आ गया हूँ। सो नया वीडियो इज अप हियर। और वो होता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जो कि आप बिना किसी सॉइल कंटेंट के कर सकते हैं अपना घर के छत में, या तो कहीं पे थोड़ा सा जगह जहाँ पे लाइट आता हो वहाँ पे कर सकते हैं आप। सो ये होता कैसा है मैं अभी छोटा सा क्लिप डालूँगा, आप देख सकते हैं उसको, इंडियन फार्मिंग जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें। और थोड़ा देर बाद मैं बताऊँगा उसको कैसे मतलब आगे कर सकते हैं आप विथ नॉर्मल यूज़। और घर के जो प्रोडक्ट रहते हैं, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं उसको। तो मैं थोड़ा देर में बताता हूँ, पहले आप क्लिप देख लीजिए। सो गाइस, मैंने जैसे बताया था, आप छोटा सा स्लिप देखे होंगे, उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि नॉर्मल जो पाइप होता है उसको मतलब उसी से ही मतलब उसमें मतलब थोड़ा ड्रिल करके उसको ही मतलब यूज़ करा जाता है। इसमें मेन रिक्वायर्ड होता है एक तो प्लास्टिक पाइप
है ना, और एक ठो इरिगेशन सिस्टम जिसमें कि आप पानी डालेंगे और थोड़ा सा न्यूट्रिएंट एज यूजुअल फर्टिलाइज़र नहीं बोला जा सकता उसको, तो मैं यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा, पानी तो चाहिए थोड़ा सा एज यूजुअल प्लांट कुछ ग्रो कर रहे हैं तो उसमें तो चाहिए ही होगा, और थोड़ा सा लाइट का जो होता है सनलाइट है तो आप टेरिस में कर सकते हैं, तो बालकनी में भी कर सकते हैं, छोटा सा मतलब उगा सकते हैं अपने खुद के लिए, और टेरिस अगर आपको मतलब अच्छा प्रोडक्ट निकालना है ज़्यादा अमाउंट में और उसको सेल भी कर सकते हैं आप टेरिस यूज़ कर सकते हैं, अपना पूरा टेरिस जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें खर्चा लगेगा नहीं, बस आपको थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा अपना जो पेड़ जो उगाएंगे आप जिस टाइप का वेजिटेबल उगाएंगे बस उसको बचाना पड़ेगा थोड़ा, एज यूजल जो होता है धूप होता है डायरेक्ट आता है तो रेन धूप वूप से तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा नहीं, और जो नॉर्मल रहेगा वो तो है आपको रेगुलर बेसिस में पानी मतलब उसमें सप्लाई देना रहता है, उसमें थोड़ा न्यूट्रिएंट भी मिलाना पड़ेगा आपको आपके हिसाब से, जो फर्टिलाइज़र मैं नहीं प्रीफर कर रहा हूँ न्यूट्रिएंट बोल रहा हूँ, न्यूट्रिएंट अलग टाइप का आता है फर्टिलाइज़र अलग होता है ना, न्यूट्रिएंट जो होता है उसको डाल सकते हैं आप, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो है मैन्यूअर जो रहता है नॉर्मल मैन्यूअर से भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं थोड़ा दिन बाद इम्प्लीमेंट करूँगा अपने मतलब टेरिस इम्प्लीमेंट करूँगा, जैसे कि मैं आप पहला वीडियो में भी बोला था कि जो घर में जो वेजिस उगा सकते हैं मैं बताऊँगा आपको, और जो नया जो रहेगा वो मैं बताऊँगा आपको, जो नया टाइप का टेक्निक बता रहा था, और कल मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट 2-3 डेज में नया एक टेक्निक बताऊँगा, और जो नेक्स्ट 2 फ्रूट या वेजिटेबल फ्रूट के बारे में मैं बताऊँगा आपको जो कि आप उगा सकते हैं घर में या तो टेरिस में छोटा सा प्लॉट भी रहेगा तो, और उसको यूज़ कर सकते हैं आप अच्छा मतलब ऑर्गेनिक वे में उगा सकते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ दिक्कत पड़ेगा नहीं आपको, और जो उगेगा उसका जो बाई प्रोडक्ट रहेगा वो अच्छा भी लगेगा आपको, मैं बताऊँगा उसको थोड़ा देर में, थोड़ा दिन मेरे साथ रुकिए मैं बताऊँगा, और यूजुअल अगर कल अगर होगा, कल तो ऑफ रहेगा तो कल अगर होगा तो कल ट्रैवल ब्लॉग भी शूट करेंगे थोड़ा, मतलब जाएंगे एक नया फार्म की तरफ तो उधर से शूट करते हुए, जो कि मैं अपना फेसबुक पेज पे डालूँगा, आप अगर हैं फेसबुक में तो फेसबुक में मेरे को लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा मेरा पेज को जो कि अंकित वर्मा नाम से है, आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को डायरेक्ट, तो दैट्स इट फॉर नाउ, और मैं कुछ नया बनाऊँगा तो आपको आइडिया दूँगा है ना, और जो 3-4 वेज हैं बहुत चीज़ उगा सकते हैं, मैं अभी रिसेंटली अभी व्लॉग में डाल दूंगा नया नया तरीका जो जो इम्प्लीमेंट इंडियन ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोपोनिक गार्डन बना रहे हैं या तो नॉर्मल हाइड्रोपोनिक जो वेजिटेबल उगा सकते हैं आप, सो होप आप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, सो दैट्स इट, और पीस फॉर नाउ, अंकित परवा साइनिंग ऑफ। कैन आई बी योर सुपर हीरो।